ठीक है चलो यहाँ पे देखें सब लोग, हम लोग यहाँ पे प्रोग्राम बनाएंगे, ठीक है, राइट अ प्रोग्राम टू टू कैलकुलेट सम ऑफ एलिमेंट्स इन वन डी एरे। ठीक है, जाना पहचाना प्रोग्राम होगा, आप लोग कर चुके हैं इसको। ठीक है, सम ऑफ एलिमेंट्स हम लोग को निकालना है। हम लोग ने एक प्रोग्राम बनाया था सम ऑफ एन नेचुरल नंबर्स, याद आ रहा है, या फिर 10 नेचुरल नंबर्स, याद आया? बस सेम प्रोग्राम को हम लोग को यहाँ पे एरे के जितने एलिमेंट्स है उसको सम करना है। ठीक है, कैसे होगा लॉजिक बताना। ठीक है, चलो देखो इधर, सबसे पहले हम लोगों को क्या चाहिए, एक वेरिएबल चाहिए ताकि हम लोग लूप चला सके। ठीक है, तो मैं लेता हूं इंट आई, इंट आई। ठीक है, सम निकालने के लिए एक सम नाम का वेरिएबल भी चाहिए। ठीक है, सम को मैं 0 से इनिशियलाइज कर देता हूँ। ठीक है, फिर उसके बाद मैं एक एरे बनाता हूँ इंट नम ऑफ साइज 10। ठीक है, कितना साइज लिया इसका मैं, 10 ले लिया। ठीक है, इसको मैं यहीं पे इनिशियलाइज कर रहा हूँ। ठीक है, कल बहुत सारे लोग यहाँ पे स्मॉल ब्रैकेट लगा रहे थे, ठीक है, यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट लगता है, देख लो। ठीक है, तो मैं यहाँ पे 10 नंबर दे देता हूँ, 20, 20, 30, 40, 50, 60, 70। चलो एक काम करते हैं, अपन रन टाइम पे इनपुट लेंगे। ठीक है, CLR SCR। ठीक है, रन टाइम पे इनपुट लेने के लिए क्या करेंगे हम लोग, स्कैनफ लगाएंगे, लेकिन लूप के अंदर प्रिंटफ लिखेंगे सबसे पहले, और इसके अंदर हम लोग लिखेंगे एंटर एंटर एलिमेंट्स ऑफ एरे। ठीक है, स्लैश एन। ठीक है, फिर उसके बाद फॉर लूप लगाएंगे। ठीक है, फॉर लूप कहाँ से स्टार्ट होगा, आई इक्वल टू 0, आई इज लेस देन 10। ठीक है, आई प्लस प्लस। ठीक है, ये हमारा लूप बन गया। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग एक लाइन प्रिंट कर लेते हैं। यहाँ पे हम लोग प्रिंट करेंगे, क्या प्रिंट करेंगे, मार्क्स, सॉरी क्या है हमारा, नम नम ऑफ परसेंट डी, और यहाँ कॉमा देके क्या लिखेंगे, आई। ठीक है, परसेंट डी की जगह पे क्या प्रिंट होगा, आई प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, आई की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक जा रही है, 0 से लेके 10 तक जा रही है। ठीक है, फिर उसके बाद हम लोग लिखेंगे स्कैनएफ, स्कैनएफ लिखे। परसेंट डी और कॉमा एम परसेंट क्या लिखेंगे, नम और आई। ठीक है, नम ऑफ आई। ठीक है, तो आई की वैल्यू जो होगी उसमें वैल्यू इनपुट लेते जाएगा। ठीक है, तो हमने यहाँ पे इनपुट ले लिया, अब क्या करना है हम लोग को, सम निकालना है। ठीक है, सम निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, हम लोग को किसका एक्सेस करना पड़ेगा, यहाँ पे इस एरे को एक्सेस करना पड़ेगा, एक्सेस करना पड़ेगा ना, कैसे एक्सेस करेंगे, फॉर लूप से। ठीक है, फॉर लूप से हम लोग एक्सेस करेंगे, और क्या लिखेंगे इसमें, आई इक्वल टू 0, आई इज लेस देन 10, आई प्लस प्लस। ठीक है, लूप हमारा 0 से लेके 9 तक चल रहा है। ठीक है, 10 टाइम्स।
अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, सम की वैल्यू जीरो है, ठीक है, सम की वैल्यू क्या है, जीरो है इनिशियली, ठीक है। हम लोग इस लूप में क्या करेंगे, जो भी आई की वैल्यू होगी, ठीक है, उसको हम लोग पास करेंगे इस नम में, ठीक है, मतलब नम ऑफ आई, क्या करेंगे हम लोग, नम ऑफ आई, मान के चलो नम की वैल्यू अभी इनिशियली जीरो है, ठीक है, जीरो में हमने टेन को इनपुट दे दिया, ठीक है, वो क्या करेगा, टेन को ऐड करेगा सम की वैल्यू के साथ और वापस से किस में स्टोर करेगा, सम में स्टोर करेगा, सम की वैल्यू को नम से ऐड करेगा और वापस किस में स्टोर करेगा, सम में। तो क्या फॉर्मूला बना, सम इक्वल टू सम प्लस नम ऑफ आई, नम ऑफ आई, ठीक है, हो गया। तो यहां पे आई की वैल्यू जो भी होगी, आई की वैल्यू कहां से कहां तक जा रही है, जीरो से लेके टेन तक जा रही है, ठीक है, तो नम ऑफ जीरो प्लस सम किस में स्टोर होगा, सम में स्टोर होगा। तो ऐसे ही लूप चलते जाएगा, जीरो के लिए, वन के लिए, टू के लिए, थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन, ठीक है, नाइन तक चलेगा, एक एक एलिमेंट लेते जाएगा, ऐड करके सम में स्टोर करते जाएगा, ठीक है, आया समझ में। अब लास्ट में हम लोग क्या करेंगे, प्रिंट कर देंगे, ठीक है, लूप के बाहर में यहां पे हम लोग लिखेंगे सम ऑफ एलिमेंट्स ऑफ एरे इज, ठीक है, परसेंट डी, और यहां पे हम लोग क्या दे देंगे, कॉमा सम, ठीक है, तो ये हमारा प्रोग्राम कंप्लीट हो गया, ठीक है। अभी हम लोग इसको क्या करेंगे, सेव करते हैं और रन कर दिया, ठीक है। यहाँ पे पूछ रहा है एंटर एलिमेंट्स ऑफ एरे, नम ऑफ जीरो मैं डालता हूं वन, ठीक है, नम ऑफ वन मैं डाल रहा हूं टू, ठीक है, नम ऑफ टू थ्री डाला, ठीक है, फिर फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन और टेन, ठीक है, कितना आएगा आउटपुट, कितना, पंचानवे कहाँ आएगा, पंचानवे बोलते क्या उसको, पचपन होता है, दुकान 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 में जाएगा बिल पचपन का होगा, पंचानवे देके आ जाएगा, है ना, ठीक है, समझ में आया कैसे बनेगा, नहीं आया, आया कि नहीं आया, आ गया, सेम लॉजिक लगा है, बस यहाँ पे हम लोग एरे के एलिमेंट को ऐड कर रहे हैं, वहां पे क्या कर रहे थे, वहां पे वन टू टेन को हम लोग ऐड कर रहे थे, यहाँ पे भी हम लोग वही किए, ठीक है, लेकिन वन टू टेन वैल्यू कहाँ से मिल रही है, एरे से मिल रही है, ठीक है, उस समय हम लोग लूप की ही वैल्यू को ऐड कर रहे थे, लूप की वैल्यू को ऐड कर रहे थे, नम की जगह क्या लिखे थे हम लोग, आई लिखे थे, ठीक है, बस वहां पे हम लोग क्या पास कर दिया, नम ऑफ आई पास कर दिया, ठीक है, समझ में आया प्रोग्राम कि नहीं आया, नहीं आया होगा लग रहा है, आया कि नहीं आया, आया ना, आ गया पक्का, ठीक है, चलो एक बार और बता रहा हूं, ठीक है, हमने यहाँ पे क्या किया, एक वन डायमेंशनल एरे बनाया, ठीक है, वन डायमेंशनल एरे में हम लोग ने क्या किया था, पांच एलिमेंट स्टोर किए थे, ठीक है, ये कंटिन्यूस मेमोरी लोकेशन पे स्टोर होता है, इतना तो पता ही है सबको, ठीक है, जितने भी एलिमेंट्स होंगे वन डायमेंशनल एरे में कंटिन्यूस मेमोरी लोकेशन पे स्टोर होंगे, ठीक है, आया समझ में। तो यहां पे सिंगल डायमेंशन है, मतलब वो ये हॉरिजॉन्टली ही स्टोर हो रहा है, ठीक है, हॉरिजॉन्टली स्टोर हो रहा है, ठीक है, अगर हम लोग चाहते हैं कि ये कुछ इस प्रकार से स्टोर हो कि इसमें हम लोग रो भी बना सके और कॉलम भी बना सके, ठीक है, रोज भी बना सके और
कॉलम में भी डेटा सेव कर सके। हम लोग का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा बनना चाहिए, मतलब यहाँ पे 5 कॉलम बने और यहाँ पे 5 रो बने, ठीक है। अब देखो यहाँ पे मैंने डाला 10, 20, 30, 40, 50, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आएगा 60, 70, 80, 90 और 100, ऐसा, ठीक है। समझ में आया क्या करना है हम लोग को? तो यहाँ पे जो स्ट्रक्चर बनेगा, 2 डायमेंशनल स्ट्रक्चर बनेगा, ठीक है। पहला डायमेंशन जो होगा वो रोज के लिए होगा, मतलब जो हॉरिजॉन्टली दिख रहा है वो हमारा क्या है, रोज है, ठीक है। क्या है? रोज, ठीक है। और यहाँ पे जो वर्टिकली दिख रहा है इसको हम लोग बोलेंगे कॉलम्स। क्या बोलेंगे? कॉलम्स। यहाँ कितने कॉलम है? फर्स्ट कॉलम, सेकेंड कॉलम, थर्ड कॉलम, फोर्थ कॉलम और फिफ्थ कॉलम, ठीक है। तो यहाँ पे कितने कॉलम है? 5 कॉलम है और रो कितने? 1, 2, 3, 4, 5 और 6, ठीक है। चलो मैं ये वाला रो को हटा देता हूँ, ठीक है। मैंने इस रो को हटा दिया। अब हमारे पास कितने कॉलम है? 5 कॉलम है और 5 रो है। अब बात आती है कि इसकी इंडेक्स कैसे की जाएगी, ठीक है। इंडेक्स कैसे बनेगा इसका? इंडेक्स कैसे बनेगा इसका? रो बाई कॉलम पे बनेगा, ठीक है। कैसे बनेगा? रो बाय कॉलम। इंडेक्स वैल्यू हमेशा स्टार्ट होती है 0 से। कहां से स्टार्ट होती है? 0 से, ठीक है। तो रो पहले आएगा और कॉलम बाद में आएगा, ठीक है। मतलब रो बाय कॉलम, रो बाय कॉलम में ये 2 डायमेंशनल एरे चलेगा हमेशा, ठीक है। तो इसका इंडेक्स हम लोग कैसे लिखेंगे? सबसे पहले हम लोग रो लिखेंगे, ठीक है। रो नंबर 0, रो नंबर 1, रो नंबर 2, रो नंबर 3, रो नंबर 4, जीरो से स्टार्ट हुआ ना। रो नंबर 0, रो नंबर 1, रो नंबर 2, रो नंबर 3, रो नंबर 4, समझ में आया। कॉलम में भी हम लोग ऐसे लिखेंगे, कैसे? रो नंबर 0, 1, 2, 3 और 4, ठीक है। क्या समझ में आया इससे? कि जो इंडेक्स बनेगा, ठीक है, अगर मान के चलो मैंने इस पर्टिकुलर मेमोरी ब्लॉक का या फिर जो इस वैल्यू है, ठीक है, इसका मैं अगर इंडेक्स निकालना चाहूँ तो कैसे निकालूंगा? ये 0th रो में है और 0th कॉलम में, तो इसका इंडेक्स क्या बनेगा? 0, 0, 0, 0, ठीक है। 20 का क्या बनेगा? 0 कॉलम है और फर्स्ट, सॉरी, 0 रो है, फर्स्ट कॉलम है, ठीक है। इसका क्या बनेगा? 0, 2, ठीक है, 0, 3, 0, 4, आया समझ में, ठीक है। फिर उसके बाद रो नंबर 1, कॉलम नंबर 0, तो क्या आएगा? 1, 0, 1, 0, ठीक है। 1, 1, 1, 2, ठीक है। फिर फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, ठीक है, फर्स्ट रो फोर्थ कॉलम, ठीक है, आया समझ में। अब आ जाते हैं हम लोग रो नंबर 2 पे, ठीक है। रो नंबर 2, रो नंबर 0 से स्टार्ट हुआ है, ठीक है। ये कौन सा रो हुआ? 0, 1, 2, ठीक है। तो रो नंबर 2 और कॉलम कितना है? 0 है, ठीक है। फिर उसके बाद रो नंबर 2 है और कॉलम 1, ठीक है। रो नंबर 2 है और कॉलम 3, ठीक है। रो नंबर, ठीक है, गलत बटन दब गया था, ठीक है। रो नंबर 2 है और कॉलम 3, ठीक है। रो नंबर 2 है, कॉलम 4, ठीक है, आया समझ में, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा? 3, 0, 3, 1, 3, 2, 3, 3, फिर उसके बाद 3, 4, ठीक है। फिर उसके बाद 4, 0, 4,
वन, ठीक है, फोर टू, फोर थ्री, फोर ठीक है, आया समझ में? तो इंडेक्स वैल्यू कुछ इस प्रकार से रहेगी, ठीक है, पांच रो है और पांच कॉलम, ठीक है, तो यहाँ पे जो स्ट्रक्चर बन रहा है वो रोज और कॉलम्स के हिसाब से बन रहा है, टू डायमेंशनल स्ट्रक्चर, ठीक है, इसी को बोलते हैं हम लोग टू डायमेंशनल एरे। क्या बोलते हैं? टू डायमेंशनल एरे। ये इसी फॉर्म से ही डेटा सेव करता है, ठीक है, रोज और कॉलम्स होंगे और इसी टाइप से एक मैट्रिक्स बना के वो सेव करता है, ठीक है। 11th 12th में पढ़े होंगे मैट्रिक्स, पढ़े हो कि नहीं पढ़े हो? जो मैथ्स वाले होंगे उन लोग पढ़े होंगे, जो नहीं भी होंगे उन लोग भी ब्रिज कोर्स में पढ़े होंगे, कॉमर्स वाले या फिर जो भी है, कॉमर्स वाले शायद नहीं पढ़े होंगे, मैट्रिक्स हर कोई पढ़ता है, कॉमर्स वाले भी बैलेंस शीट बनाते हैं, टेबल बनाते हैं, एंट्रीज होती है, कैसे एंट्रीज होती है, टैली पढ़ रहे हो ना, एंट्रीज होती है ना उसमें, तो कैसे टेबुलर फॉर्म में दिखता है वो, ठीक है, तो वो भी इसी प्रकार का एक स्ट्रक्चर रहता है, ठीक है, वहां एंट्रीज करते जाते हैं, बहुत सारे कॉलम्स होते हैं, ठीक है, बहुत सारी एंट्रीज होती है, उसको क्या बोलेंगे? रोज बोलेंगे, ठीक है, तो वो सारा टू डायमेंशनल एरे है, ठीक, समझ में आया इतना? ठीक है, अब इसको एक्सेस कैसे करेंगे, कैसे एक्सेस करेंगे? यहाँ पे हमारे पास दो चीजें हैं, ठीक है, रोज और कॉलम्स, यहाँ पे रोज है, ठीक है, और कॉलम्स है, कितने रोज और कितने कॉलम्स है? 5 रोज 5 कॉलम्स, ठीक है, इंडेक्स को देखो ध्यान से, क्या क्या इंडेक्स है? 0 0 0 1 0 2 0 3 0 4, ठीक है, रो कहाँ से कहाँ तक जा रहा है? फर्स्ट वाला रो है 0 1 2 3 4, ठीक है, कॉलम कहाँ कहाँ तक जा रहा है? 0 1 2 3 4, ठीक है, क्या समझ में आया इससे, क्या समझ में आया? ये चीज तुम लोग बना चुके हो पहले, वो तो सितारा सितारा प्रिंट किए थे, याद है? याद आ रहा है कौन सा वाला? सबसे पहला वाला सितारा प्रिंट किए थे, 5 बाई 5 का हम लोग प्रिंट किए थे, याद है? उसमें 5 रो बनाए थे, 5 कॉलम बनाए थे, बस सेम टेक्निक यहाँ पे यूज करना है हम लोग को। क्या यूज किए थे वहां पे? फॉर लूप यूज किए थे, ठीक है, फॉर लूप यूज किए थे, कौन सा फॉर लूप? नेस्टेड फॉर लूप, ठीक है, कौन सा फॉर लूप यूज किए थे? नेस्टेड फॉर लूप, तो यहाँ पे भी नेस्टेड फॉर लूप लगेगा और एक लूप लगेगा रो के लिए, ठीक है, सबसे पहले रो क्रिएट होंगे, उस रो के अंदर कॉलम क्रिएट होंगे, ठीक है, आया समझ में? तो अगर 5 रोज 5 का हम लोग यहाँ एक मैट्रिक्स बना रहे हैं तो रोज कितने बनेंगे? 5 रोज, ठीक है, तो आउटर लूप कितने बार चलेगा? 5 बार चलेगा। इनर लूप कितने बार चलेगा? 25 बार, ठीक है, यहाँ पे काउंट कर लो कितने हैं, 25 होंगे, आया समझ में? ठीक है, चलो इसको देखते हैं अपन आगे।